इस वीडियो में हम गेम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। गेम थ्योरी वैसे मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, लेकिन गेम थ्योरी को सोशल साइंस, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हमारा फोकस इस बात को समझने के ऊपर होगा कि कैसे हम गेम थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ के बीच मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरी के मेनली दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, एक है प्रिजनर्स डिलेमा और दूसरा गेम ऑफ चिकन। इस वीडियो में हम गेम थ्योरी, प्रिजनर्स डिलेमा और गेम ऑफ चिकन, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इनके एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप तक कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। ये इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा है। हमने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के 6 मेजर एरियाज़ को डिटेल में कवर किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थाट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी यूनिट्स पे आपको हमारे इस कोर्स में 175 से भी अधिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप NTA, NET, GRF की तैयारी कर रहे हैं या UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपने पॉलिटिकल साइंस को एक ऑप्शनल के रूप में रखा है, तब ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। कोर्स में इनरोलमेंट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम आज के अपने टॉपिक को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि गेम थ्योरी आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ गेम थ्योरी? हमारा पूरा डिस्कशन इस वीडियो में गेम थ्योरी के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम गेम थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ गेम थ्योरी। सिंपल भाषा में आपको समझना है कि गेम थ्योरी इज़ बेसिकली अ थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी एक तरह का डिसीजन मेकिंग थ्योरी है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप कह सकते हैं इट इज़ अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी ये डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, डिसीजन से जुड़ा है। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं या एक सिचुएशन में कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, गेम थ्योरी इन क्वेश्चंस को स्टडी करता है, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात यहाँ आपको याद रखना है, गेम थ्योरी का संबंध हर तरह के डिसीजन या हर तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से नहीं है। ओके, गेम थ्योरी स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में लिए जाने वाले डिसीजंस को स्टडी करने के लिए बना है। कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में गेम थ्योरी स्टडीज डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इतना ही नहीं, गेम थ्योरी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग को स्टडी ही नहीं करता, गेम थ्योरी ये भी प्रिडिक्ट करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में किस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। गेम थ्योरी ट्राइज टू प्रिडिक्ट द डिसीजंस दैट विल बी टेकन इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि गेम थ्योरी ट्राइज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या होगा। ओके, इसे भी गेम थ्योरी प्रिडिक्ट करता है। क्लियर? तो एक बात यहाँ आपको समझना है कि गेम थ्योरी का संबंध कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन से है। कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं या कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, इन चीज़ों को समझना और समझाना गेम थ्योरी का काम है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन इमर्ज करता है। हमने समझा कि गेम थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन से जुड़ा है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्या है? किस तरह के सिचुएशन को हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं या सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इसे समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, किसी भी सिचुएशन को हम सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तब कहते हैं जब उस सिचुएशन में दो या दो से अधिक इंडिविजुअल या ग्रुप इन्वॉल्व हो और कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हो
कि जब एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है ओके, या कोई स्टेप लिया जाता है, तो इस डिसीजन का, इस स्टेप का दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ग्रुप के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ओके। इसी तरह दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ग्रुप के द्वारा लिया गया जो डिसीजन है, जो स्टेप है, उसका इफेक्ट पहले इंडिविजुअल या पहले ग्रुप के ऊपर पड़ता है ओके। दैट मीन्स अगर मैं कोई डिसीजन या स्टेप लेता हूँ तो इससे मेरा ओपोनेंट भी अफेक्टेड होता है, और अगर मेरा ओपोनेंट कोई डिसीजन या स्टेप लेता है तो इससे मैं भी अफेक्टेड होता हूँ। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका ये भी मतलब है कि जब भी मैं कोई डिसीजन या स्टेप लेने जा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मेरा ओपोनेंट कौन सा स्टेप लेगा या कौन सा डिसीजन लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी कोई अगर डिसीजन या स्टेप लेता है तो इससे मैं भी अफेक्टेड होता हूँ। और सिमिलरली जब मेरा ओपोनेंट कोई डिसीजन या स्टेप लेने जा रहा है तो वो ये सोचेगा कि मैं कौन सा स्टेप लूँगा या मैं कौन सा डिसीजन लूँगा ओके। अगर ये सिचुएशन है, इस तरह से दो लोग एक सिचुएशन में इन्वॉल्व है, एक दूसरे से जुड़े हैं, कि एक के द्वारा लिया गया स्टेप, एक के द्वारा लिया गया डिसीजन दूसरे को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और दूसरे के द्वारा लिया गया स्टेप पहले को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो इस सिचुएशन को ही हम कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन कहेंगे। इसे ही हम सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे ओके। सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का एक और एग्जांपल है, आप किसी भी स्पोर्ट के गेम को देख लें ओके, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एक्सेट्रा। इन गेम्स में भी दो टीम्स होंगी या दो प्लेयर्स होंगे, और ये सभी एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करना चाहेंगे, और जीतने के लिए हर टीम, हर प्लेयर के द्वारा अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ओके। लेकिन एक प्लेयर की स्ट्रैटेजी या एक टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि उस टीम के ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी क्या है ओके। फॉर एग्जांपल गेम ऑफ चेस को ले लें, चेस के शतरंज के खेल को आप ले लें। अगर आप चेस खेल रहे हैं तो आप कौन सा चाल चलते हैं, आप कौन सा स्टेप लेते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके ओपोनेंट ने कौन सा चाल चला है, उसने क्या स्टेप लिया है, या वो कौन सा चाल चलने वाला है ओके। तो ये जो गेम्स है, ये सभी जो गेम्स है, ये सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ओके। और इसलिए इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो फील्ड ऑफ स्टडी बनाया गया है, उसे हम गेम थ्योरी कहते हैं। तो गेम का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओके। आप किसी भी स्पोर्ट्स के गेम को देख ले, वहाँ भी ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आपको दिखेगा कि एक के द्वारा लिया गया स्टेप डिसीजन दूसरे को अफेक्ट करेगा, और एक जो अपने स्टेप और डिसीजन लेगा तो उससे पहले वो ये सोचेगा कि जो दूसरा है, जो उसका ओपोनेंट है, वो किस तरह के स्टेप या डिसीजन ले सकता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस हैं, इन्हें हम गेम थ्योरी कहते हैं। अब देखिए, इन्हें ही हम यहाँ पर गेम कहेंगे ओके। अब देखिए कि सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओके। गेम थ्योरी में अलग अलग तरह के सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरह के गेम्स को यूज़ करते हैं। गेम थ्योरी में अलग अलग तरह के गेम्स को बनाया गया है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेनली There are two types of games within game theory. Game theory के अंतर्गत मेनली दो तरह के games हैं, पहला zero sum game और दूसरा non zero sum game. Okay, zero sum game और non zero sum game. Zero sum game किसे कहते हैं, इसे देखिए। Zero sum game ऐसे situation को represent करता है जहाँ एक winner होगा और एक लूजर होगा। ऐसे सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है जहां एक विनर होगा और एक लूजर होगा। इस सिचुएशन में अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है, मान लीजिए दो इंडिविजुअल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है और इसे हम जीरो सम गेम कह रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है, इनमें से किसी एक को 100% गेन होगा ओके, 100% गेन होगा, पूरी तरह से गेन होगा, और दूसरे को 100% लॉस होगा। मतलब अगर किसी एक को हम कहें, अगर किसी एक को +10
का गेन हो रहा है अगर हम न्यूमेरिकली इसे रिप्रेजेंट करें और कहें कि अगर किसी एक को प्लस 10 का गेन हो रहा है तो यहाँ पर जो दूसरा है उसे माइनस 10 का लॉस होगा। और अगर आप प्लस 10 और माइनस 10 को जोड़ें, दोनों का सम निकालें, तो प्लस 10 प्लस और फिर माइनस 10 को जोड़ें, दोनों का सम निकालें, तो इसका सम क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका सम ज़ीरो आएगा। और इसलिए इस सिचुएशन को ज़ीरो सम गेम कहा जाता है। यहाँ आपको समझना है, ज़ीरो सम गेम की एक इम्पॉर्टेंट बात है, खासियत है कि अगर एक इंडिविजुअल, दो लोग अगर ज़ीरो सम गेम में इन्वॉल्व है, तो किसी एक इंडिविजुअल के सक्सेसफुल होने का कंडीशन है दूसरे का पूरी तरह से फेल होना। अगर कोई सक्सेस कर रहा है मतलब कोई दूसरा पूरी तरह से फेल होगा। दोनों साथ में सक्सेसफुल, दोनों को साथ में गेन नहीं हो सकता। कोई एक जीत रहा है तो किसी दूसरे का लॉस होना तय है। ओके, किसी दूसरे का जो लॉस है वही किसी दूसरे पहले का जो है वो गेन बनेगा। क्लियर? तो समवन विल बी अ कंप्लीट विनर एंड समवन विल बी अ कंप्लीट लूजर। किसी को प्लस 10 का गेन होगा तो दूसरे को माइनस 10 का लॉस होगा और दोनों का सम ज़ीरो होगा। इसलिए इस तरह के सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को ज़ीरो सम गेम कहते हैं। ओके, दूसरे तरह का गेम है गेम थ्योरी के अंतर्गत, नॉन ज़ीरो सम गेम। ओके, ज़ीरो सम गेम से ये अलग है, नॉन ज़ीरो सम गेम ये ज़ीरो सम गेम से अलग है। नॉन ज़ीरो सम गेम में अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड हैं तो दोनों का एक साथ सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। दोनों का एक साथ सक्सेसफुल होना इस तरह के सिचुएशन में, जिसे हम नॉन ज़ीरो सम गेम कह रहे हैं, पॉसिबल है। ओके, दोनों का एक साथ गेन को एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है। गेन, प्रॉफिट, ये दोनों को एक साथ हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों के सक्सेस का लेवल ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो डिफ़र कर सकता है। गेन या प्रॉफिट का लेवल डिफ़र कर सकता है। मतलब अगर किसी को प्लस 10 का गेन हो रहा है तो दूसरे को प्लस 3 या प्लस 5 का गेन हो सकता है। गेन का लेवल डिफ़र कर सकता है, सक्सेस का लेवल डिफ़र कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि दोनों को एक साथ सक्सेस हो, एक साथ गेन हो, एक साथ प्रॉफिट हो। ओके, अगर यहाँ पर आप दोनों के गेन का सम निकालेंगे, किसी एक को प्लस 10 का गेन हुआ, किसी दूसरे को प्लस 3 का गेन हुआ, अगर दोनों के गेम का अगर आप सम निकालेंगे तो ये जो सम है, ये जो जोड़ है, ये ज़ीरो नहीं आएगा। और इसलिए इस तरह के सिचुएशन को हम नॉन ज़ीरो सम गेम कहते हैं। ओके, क्लियर? गेम थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गेम थ्योरी ये बेसिकली मैथमेटिक्स से आता है। गेम थ्योरी को सबसे पहले मैथमेटिक्स के एक ब्रांच के रूप में डेवलप किया गया। ओके, मैथमेटिक्स में गेम थ्योरी के डेवलपमेंट की शुरुआत 1920s के दशक में होती है। 1944 में गेम थ्योरी के ऊपर पहला सिस्टमैटिक वर्क पब्लिश किया गया जॉन वॉन न्यूमन और ऑस्कर मॉर्गनस्टीन के द्वारा, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, 1944। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर गेम थ्योरी की एंट्री की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरी की एंट्री 1950s और 1960s के दशक में होती है। इस दौरान कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर के सिचुएशन में सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच मौजूद जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ने और ख़ासकर रियलिस्ट अप्रोच को अपनाने वाले स्कॉलर्स ने गेम थ्योरी कि मॉडल्स को यूज़ करना शुरू किया। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का आउटकम क्या हो सकता है इसे प्रेडिक्ट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ने गेम थ्योरी के कई मॉडल्स को यूज़ करना शुरू किया। ओके, कई स्कॉलर्स गेम थ्योरी के मॉडल्स को यूज़ कर रहे थे, जैसे उनमें से प्रमुख थे विलियम राइकर, थॉमस शेलिंग। इन सभी ने गेम थ्योरी के मॉडल्स को यूज़ करना यहाँ पर शुरू किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरी के दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ किया जाता है। गेम थ्योरी के दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ किया जाता है। एक है प्रिजनर्स डिलेमा और दूसरा है गेम ऑफ चिकन। तो आइए इन दोनों मॉडल्स को, गेम थ्योरी के इन दोनों मॉडल्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रिजनर्स डिलेमा से। ओके, प्रिजनर्स डिलेमा, सबसे पहले आपको ये जानना है, ये समझना है कि
कि प्रिजनर्स डिलेमा ये एक नॉन जीरो सम गेम का एग्जाम्पल है. प्रिजनर्स डिलेमा ये नॉन जीरो सम गेम का एग्जाम्पल है. ओके, प्रिजनर्स डिलेमा एक खास तरह के कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है. प्रिजनर्स डिलेमा एक खास तरह के कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है. इस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में जो दो लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं या जो दो ग्रुप इन्वॉल्व्ड होते हैं वे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न्ड होंगे. ओके, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर वे कंसर्न्ड होंगे और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और अपने लिए एक बेस्ट आउटकम को अचीव करने के लिए, एक बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए ये लोग रैशनल डिसीजंस लेंगे. ओके, रैशनल डिसीजंस लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें जो आउटकम अचीव होगा, जो रिजल्ट इन्हें अचीव होगा, वो इनके लिए बेस्ट नहीं होगा बल्कि बेस्ट से बहुत खराब होगा. मतलब आप अपने लिए एक बेस्ट आउटकम डिजायर करते हैं, एक बेस्ट सिचुएशन डिजायर करते हैं. ओके, फिर इस आउटकम को अचीव करने के लिए आप डिसीजन लेते हैं, रैशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आउटकम आपको अचीव होता है, जो आउटकम आपको मिलता है, वो आपके लिए बेस्ट नहीं होता. क्लियर? एक बेस्ट आउटकम को डिजायर करते हुए रैशनल डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन जो आउटकम अचीव होता है वो बेस्ट नहीं होता. ये कैसे हुआ? मैंने तो रैशनल डिसीजंस लिए थे एक बेस्ट आउटकम को अचीव करने के लिए, लेकिन जो आउटकम मुझे अचीव हुआ वो मेरे लिए बेस्ट नहीं था. ये कैसे होता है? इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ही प्रिजनर्स डिलेमा के स्टोरी को यूज़ किया जाता है. प्रिजनर्स डिलेमा के स्टोरी के मदद से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि बेस्ट आउटकम को डिज़ायर करते हुए लिए गए रैशनल डिसीजंस के बावजूद भी इंडिविजुअल्स को, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उन इंडिविजुअल्स को, उन ग्रुप्स को बेस्ट आउटकम अचीव नहीं होता. ये कैसे होता है? इसे हम प्रिजनर्स डिलेमा के स्टोरी के मदद से समझ सकते हैं. प्रिजनर्स डिलेमा ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये एक काल्पनिक कहानी है. ओके, इस स्टोरी में दो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने बैंक रॉबरी के जुर्म में, बैंक रॉबरी के क्राइम में गिरफ्तार किया है. ओके, दो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने बैंक रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है और जेल में डाल दिया है. इन्हें ही हम प्रिजनर्स कहेंगे. जो दो लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल में डाल दिया गया है, इन्हें ही हम प्रिजनर्स कहेंगे. एक को हम कहेंगे फर्स्ट प्रिजनर, प्रिजनर वन, और दूसरे को हम कहेंगे सेकंड प्रिजनर, प्रिजनर टू. लेकिन कहानी शुरू कब होती है, कहानी में ट्विस्ट कब आता है? देखिए, पुलिस ने तो दो लोगों को बैंक रॉबरी के जुर्म में पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया, प्रिजनर वन, प्रिजनर टू. कहानी शुरू कब होती है? देखिए, कहानी शुरू होती है जब पुलिस को ये पता चलता है कि उन्होंने इन दो लोगों को बैंक रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस के पास इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए एनफ एविडेंस नहीं है कि रॉबरी इन दो प्रिजनर्स ने ही की है. ओके, ये कंडीशन है. दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है बैंक रॉबरी के जुर्म में, लेकिन पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि रॉबरी इन दो प्रिजनर्स ने ही की है. लेकिन पुलिस को ये पूरा यकीन है, पुलिस को पता है कि बैंक रॉबरी के पीछे इन दो प्रिजनर्स का ही हाथ है. पुलिस ये जानती है कि हाँ, रॉबरी तो इन प्रिजनर्स ने ही की है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए पुलिस के पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है. हो सकता है कि इन प्रिजनर्स ने रॉबरी के बाद सारे एविडेंस मिटा दिए, इसलिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस को यकीन है कि रॉबरी तो इन दो प्रिजनर्स ने ही की है. तो एविडेंस के बिना पुलिस इन प्रिजनर्स के ऊपर बैंक रॉबरी का चार्ज नहीं लगा सकती. अगर पुलिस के पास एविडेंस नहीं है तो पुलिस इन दो प्रिजनर्स के ऊपर बैंक रॉबरी का चार्ज नहीं लगा सकती. पुलिस ने भले उन्हें गिरफ्तार किया है लेकिन केस नहीं बना सकती, उनके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकती एविडेंस के बिना बैंक रॉबरी का. ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इन प्रिजनर्स के अगेंस्ट
इलीगल रूप से वेपन रखने का एक केस बना सकती है जिसके लिए इन्हें मैक्सिमम एक साल की सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि इनके पास कुछ वेपन्स बरामद हुए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इन प्रिजनर्स के ऊपर इलीगल वेपन पोजेशन, इलीगल रूप से वेपन रखने का एक केस बना सकती है जिसके लिए इन्हें 1 ईयर, दोनों को एक एक साल की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में पुलिस को ये प्रूफ करना है कि इन पुलिस को सबूत पुलिस ये प्रूफ करना चाहती है कि बैंक रॉबरी जो है वो इन दो प्रिजनर्स ने ही की है। ओके, तो इस सिचुएशन में पुलिस के पास बस एक ऑप्शन बचता है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि रॉबरी इन दो प्रिजनर्स ने ही की है, लेकिन पुलिस के पास एक ऑप्शन है, पुलिस के पास एक ऑप्शन बचता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि रॉबरी इन प्रिजनर्स ने ही की है। पुलिस के पास एक रास्ता है, पुलिस को कुछ ऐसा करना होगा कि ये प्रिजनर्स खुद कन्फेस कर लें, खुद एक्सेप्ट कर ले कि रॉबरी उन्होंने ही की है। कुछ ऐसा पुलिस को करना होगा कि ये जो दो प्रिजनर्स हैं ये खुद कन्फेस कर ले। कन्फेस करने का मतलब है खुद एक्सेप्ट कर ले, खुद कबूल कर ले कि रॉबरी इन दोनों ने ही मिलकर की है। लेकिन पुलिस ऐसा करेगी कैसे, कैसे पुलिस ये करेगी? ओके, देखिए, ऐसा करने के लिए पुलिस इन दो प्रिजनर्स के साथ एक साइकोलॉजिकल, एक माइंड गेम खेलती है। ओके, एक साइकोलॉजिकल, एक माइंड गेम खेलती है। सबसे पहले पुलिस इन दो प्रिजनर्स को जेल के दो अलग अलग कमरों में बंद कर देगी, दो अलग अलग सेल में, दो अलग अलग रूम में बंद कर देगी, ये इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन दो प्रिजनर्स के बीच किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट ना हो सके। ओके, इसके बाद पुलिस इन दोनों प्रिजनर्स के पास एक एक करके जाएगी और फिर इन दोनों प्रिजनर्स के सामने पुलिस 4 ऑप्शंस रखेगी और इन प्रिजनर्स को कहेगी कि इन 4 ऑप्शंस में से वे किसी एक ऑप्शन को चुनें। पुलिस दोनों प्रिजनर्स को 2 अलग अलग कमरों में बंद कर देगी, ये इंश्योर करने के लिए कि इनके बीच किसी भी तरह का कांटेक्ट कम्युनिकेशन ना हो, और फिर पुलिस इन दोनों प्रिजनर्स के पास एक एक करके जाएगी और इन दोनों प्रिजनर्स के सामने 4 ऑप्शंस रखेंगी और पुलिस इनसे कहेंगी कि इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुने। आइए देखते हैं कि फर्स्ट प्रिजनर, प्रिजनर 1 के पास जाकर पुलिस उसके सामने कौन से 4 ऑप्शंस रखती हैं। ओके, तो पुलिस प्रिजनर 1, फर्स्ट प्रिजनर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस, और तुम्हें इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। मतलब तुम्हारे पास 4 रास्ते हैं और तुम्हें इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। तुम्हारा पहला ऑप्शन, पुलिस प्रिजनर 1 से कहती है, तुम्हारा पहला ऑप्शन, यू कन्फेस दैट यू हैव कमिटेड द क्राइम, यू हैव कमिटेड द रॉबरी, बट योर पार्टनर कीप्स क्वाइट। मतलब तुम कन्फेस कर लो, मतलब तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने मिलकर ये बैंक रॉबरी की है, लेकिन तुम्हारा जो पार्टनर है, जो प्रिजनर 2 है, जो कि दूसरे कमरे में बंद है, वो कुछ ना कहें, वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट ना करें। हम उससे पूछें और जब हम उससे पूछें तो वो कुछ ना कहें। तुम एक्सेप्ट कर लो कि ये जो रॉबरी है वो तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने मिलकर की है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर जो कि दूसरे कमरे में बंद है वो कुछ ना कहे, वो कन्फेस ना करे। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें हम फ्री छोड़ देंगे, तुम्हें हम फ्री छोड़ देंगे, तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को हम बैंक रॉबरी के लिए 10 साल की सज़ा देंगे, उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाएगा। और तुम्हें फ्री क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि तुम्हें पुलिस का साथ देना होगा, तुम्हें कोर्ट में जाकर अपने पार्टनर के अगेंस्ट गवाही देनी होगी, तुम्हें कहना होगा कि रॉबरी का जो मास्टर प्लान है वो मेरे पार्टनर ने बनाया था और मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर ये रॉबरी किया था। अब क्योंकि मैं एक सरकारी गवाह बन गया हूँ इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो तुम सरकारी गवाह बनोगे, तुम एक विटनेस बनोगे और इसलिए तुम्हें हम छोड़ देंगे। ऐसा तब होगा जब तुम कन्फेस करते हो कि रॉबरी तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने मिलकर की है और तुम्हारा पार्टनर जो कि दूसरे कमरे में है वो कन्फेस ना करे, वो चुप रहे। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें 0 ईयर्स की सज़ा होगी और तुम्हारे पार्टनर को 10 साल की सज़ा होगी। ये था पहला ऑप्शन।
प्रिजनर वन के लिए जो दूसरा ऑप्शन पुलिस के द्वारा दिया जाता है, सेकंड ऑप्शन पुलिस कहती है प्रिजनर वन से तुम्हारे लिए सेकंड ऑप्शन है तुम चुप रहो। ओके तुम चुप रहो, तुम कन्फेस मत करो, यू डोंट कन्फेस, तुम चुप रहो, तुम कन्फेस मत करो, तुम क्राइम को एक्सेप्ट मत करो, लेकिन दूसरे कमरे में बंद तुम्हारा जो पार्टनर है, जो प्रिजनर टू है, वो क्राइम को एक्सेप्ट कर ले और तुम्हारे अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इस केस में तुम्हारे पार्टनर को तो हम फ्री छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें 10 साल की सज़ा दी जाएगी। दैट मीन्स अगर तुम कन्फेस नहीं करते हो और तुम्हारा पार्टनर अगर कन्फेस कर ले और वो तुम्हारे अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाए तो इस केस में तुम्हें तो 10 साल की सज़ा होगी लेकिन तुम्हारे पार्टनर को हम फ्री छोड़ देंगे। ओके ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन प्रिजनर वन के सामने, पुलिस कहती है प्रिजनर वन से कि तुम भी कन्फेस कर लो कि क्राइम तुमने किया है और तुम्हारा पार्टनर भी कन्फेस कर ले कि क्राइम उसने किया है, दोनों कन्फेस कर लो और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उंगली अपने पार्टनर की तरफ दिखाओ और तुम्हारा पार्टनर उंगली तुम्हारी तरफ दिखाएगा, दोनों कन्फेस कर लो और एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा होता है तो इस केस में दोनों को सज़ा होगी और दोनों को 5-5 साल की सज़ा होगी, 10-10 साल की नहीं, 5-5 साल की सज़ा होगी। ओके ये था तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन प्रिजनर वन के सामने, पुलिस प्रिजनर वन से कहती है कि तुम भी चुप रहो और तुम्हारा पार्टनर भी चुप रहे, दैट मीन्स तुम भी कन्फेस मत करो और तुम्हारा पार्टनर भी कन्फेस मत करे, यू डोंट कन्फेस एंड योर पार्टनर ऑल्सो डोंट कन्फेस, तुम भी कन्फेस मत करो, तुम्हारा पार्टनर भी कन्फेस ना करे, मतलब तुम भी चुप रहो तुम्हारा पार्टनर भी चुप रहे। अगर ऐसा होता है तब पुलिस के पास तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होगा क्योंकि एविडेंस तुम खुद ही बन सकते हो कन्फेस करके। अगर तुम खुद कन्फेस नहीं करते हो और तुम्हारा पार्टनर भी कन्फेस नहीं करता है तो पुलिस के पास तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होगा, तो तुम दोनों के अगेंस्ट बैंक रॉबरी का चार्ज नहीं बनेगा, तुम दोनों को बस एक एक साल की सज़ा दी जाएगी और वो भी इलीगल वेपन रखने के रूप के क्राइम में। ओके तो ये सभी चार ऑप्शंस थे जो प्रिजनर वन के सामने पुलिस के द्वारा रखे गए और प्रिजनर वन को कहा गया कि इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनो। सिमिलरली ये चार ऑप्शंस पुलिस के द्वारा प्रिजनर टू के सामने भी रखे जाते हैं, दूसरे प्रिजनर के सामने भी, सेकेंड प्रिजनर के सामने भी यही चार ऑप्शंस रखे जाते हैं और सेकेंड प्रिजनर को भी कहा जाता है कि वो इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुने। ओके अब इन प्रिजनर्स के द्वारा इस सिचुएशन में कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, मतलब क्या डिसीजन लिए जाएंगे, कौन से ऑप्शन चुने जाएंगे, क्या दोनों प्रिजनर कन्फेस करेंगे या क्या एक प्रिजनर कन्फेस करेगा और दूसरा चुप रहेगा, या क्या दोनों चुप रहेंगे, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब कौन से डिसीजन प्रिजनर्स के द्वारा लिए जा सकते हैं। गेम थ्योरी के माध्यम से अगर हम इस सिचुएशन को स्टडी करें, यहाँ पर अगर हम गेम थ्योरी को अप्लाई करें तो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रिजनर्स का डिसीजन क्या होगा, हम बता सकते हैं सटीकता के साथ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रिजनर्स का डिसीजन क्या होगा। और ऐसा करने के लिए, दैट मीन्स उनके डिसीजन को प्रिडिक्ट करने के लिए, इन दो प्रिजनर्स के डिसीजन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें इन दो प्रिजनर्स के लिए एक पे ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा। देखिए गेम थ्योरी में जब भी हम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब है एक टेबल या एक ग्रिड जिसमें रोज और कॉलम्स होंगे। ओके लेकिन पे ऑफ का मतलब क्या है, गेम थ्योरी के लैंग्वेज में पे ऑफ किसे कहते हैं, ये समझना है थोड़ा आपको। ओके पे ऑफ का मतलब क्या है, इसके मीनिंग को थोड़ा समझिए। पे ऑफ का मतलब है, पे ऑफ का मतलब होता है गेम थ्योरी के लैंग्वेज में यूटिलिटी, बेनिफिट या लाभ, एक तरह का यूटिलिटी या बेनिफिट या लाभ। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, ओके जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से हमें क्या मिलता है, क्या यूटिलिटी हमें हासिल होता है, क्या बेनिफिट हमें मिलता है, क्या लाभ हमें मिलता है, उसे ही हम पे ऑफ कहते हैं गेम थ्योरी के लैंग्वेज में। जब कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के वजह से उस इंडिविजुअल या उस ग्रुप को क्या बेनिफिट, क्या यूटिलिटी, क्या लाभ मिलता है, उसे ही हम पे ऑफ कहते हैं। ओके तो प्रिजनर्स के इस केस में
जो प्रिजनर्स हैं वो दो तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, दो ही तरह के डिसीजंस वो ले सकते हैं, या तो वो कन्फेस करेंगे या तो वो कन्फेस नहीं करेंगे। इधर दे विल कन्फेस और दे विल कीप क्वाइट, दे विल नॉट कन्फेस। पे ऑफ की अगर बात करें तो जितने साल एक प्रिजनर को जेल में बिताना पड़ सकता है वो उनका पे ऑफ होगा। एक प्रिजनर का हाईएस्ट पे ऑफ क्या है? 0 years, ओके, एक साल, उसके बाद एक साल सेकेंड हाईएस्ट पे ऑफ, फिर 5 years, और दूसरा और लास्ट है जो लोएस्ट पे ऑफ एक प्रिजनर का वो है 10 years, ओके। तो कोई भी प्रिजनर्स, किसी भी दोनों में जो दो प्रिजनर हैं उनके लिए ये 4 पे ऑफ के कंडीशंस हो सकते हैं, ओके, 0 year, 1 year, 5 year या 10 year। अब पे ऑफ मैट्रिक्स को बनाते हैं, दोनों प्रिजनर के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स को देखिए, ये दोनों प्रिजनर के लिए बनाया गया एक पे ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया, ये एक तरह का टेबल, एक ग्रिड है, और यहाँ पर 4 क्वार्टर्स हैं, 4 यहाँ पर क्वार्टर्स बनेंगे। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट क्वार्टर को आप देखें, यहाँ पर दोनों कन्फेस करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में देखें, प्रिजनर वन भी कन्फेस करता है, प्रिजनर टू भी कन्फेस करता है। तो अगर प्रिजनर वन भी कन्फेस करे, प्रिजनर टू भी कन्फेस कर ले, दोनों कन्फेस करने का डिसीजन ले, तो दोनों का पे ऑफ क्या होगा? ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर को आप देखें जहां पर दोनों कन्फेस करते हैं, तो यहां पर दोनों को 5-5 साल जेल में बिताना पड़ सकता है। तो दोनों का पे ऑफ क्या होगा? 5-5 years, ओके। मैट्रिक्स के सेकेंड क्वार्टर को आप देखें, प्रिजनर वन कन्फेस कर रहा है लेकिन प्रिजनर टू कन्फेस नहीं कर रहा, यहां पर दोनों का पे ऑफ क्या होगा? प्रिजनर वन कन्फेस करता है, प्रिजनर टू कन्फेस नहीं करता। तो प्रिजनर वन को यहां पर 0 years जेल में बिताना पड़ेगा और प्रिजनर टू को 10 साल की सजा होगी। क्लियर? इस पे ऑफ मैट्रिक्स के थर्ड क्वार्टर को आप देखें, यहां पर प्रिजनर वन कन्फेस नहीं करता और प्रिजनर टू कन्फेस कर लेता है। प्रिजनर वन यहाँ पर कन्फेस नहीं करता, प्रिजनर टू कन्फेस कर लेता है। तो यहाँ पे दोनों का पे ऑफ क्या होगा? यहाँ पर प्रिजनर वन को जेल में 10 साल बिताने पड़ेंगे और प्रिजनर टू को 0 years। और इस मैट्रिक्स के फोर्थ क्वार्टर को आप देखें, यहाँ पर दोनों प्रिजनर जो है वो कन्फेस नहीं करते हैं, बोथ डोंट कन्फेस, दोनों कन्फेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उनका पे ऑफ क्या होगा? दोनों को 1-1 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। ओके, तो ये है दोनों प्रिजनर्स के लिए बनाया गया पे ऑफ मैट्रिक्स, जहां पर 4 पे ऑफ के कॉम्बिनेशन मौजूद है। अब प्रिजनर को इन 4 पे ऑफ के कॉम्बिनेशंस में कौन सा कॉम्बिनेशन मिलता है, ये उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम इन प्रिजनर्स के डिसीजन को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि प्रिजनर्स क्या डिसीजन लेंगे, तब हमें इन प्रिजनर्स के थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझना होगा। ओके, इनके माइंड में जो रीजनिंग चल रही है डिसीजन लेने के पीछे, इनके माइंड में जो रीजनिंग चल रही है, उस रीजनिंग को हमें समझना होगा, उनके थॉट प्रोसेस को हमें समझना होगा, तब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि एक प्रिजनर जो है वो कौन सा डिसीजन लेगा। तो आइए प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, गेम थ्योरी को यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्रिजनर वन क्या डिसीजन ले सकता है, प्रिजनर वन के थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। तो प्रिजनर वन कोई भी डिसीजन लेने से पहले, प्रिजनर वन जो है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि उसका पार्टनर जो कि दूसरे कमरे में बंद है वो डिसीजन क्या लेगा, उसके पार्टनर का डिसीजन क्या होगा, उसके पार्टनर का स्टेप क्या होगा। इसी बेसिस पर जो प्रिजनर वन है वो अपने डिसीजन को तय करेगा, वो इंडिविजुअली अपना डिसीजन नहीं लेगा, वो एक बार ज़रूर सोचेगा कि उसके पार्टनर का डिसीजन क्या होगा, स्टेप क्या होगा, फिर उसके बेसिस पर वो अपना डिसीजन डिसाइड करेगा, तय करेगा। तो फर्स्ट प्रिजनर, दैट मीन्स प्रिजनर वन, सोचता है कि सपोज उसका पार्टनर, दैट मीन्स प्रिजनर टू जो कि दूसरे कमरे में बंद है, वो कन्फेस ना करे, पुलिस के सामने वो चुपचाप रहे, वो कन्फेस ना करे, वो कुछ ना बोले, वो बैंक रॉबरी के क्राइम को एक्सेप्ट ना करे। सपोज ये होता है तो इस सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा? ओके, अगर जो सेकंड प्रिजनर है, प्रिजनर टू है, वो कन्फेस नहीं करता, तो इस सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए बेस्ट क्या होगा? वेल ऑब्वियस सी बात है,
प्रिजनर वन फ्री होना चाहता है, वो जेल से निकलना चाहता है, तो यहाँ प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन होगा कि वो कन्फेस कर ले, ओके, क्राइम को एक्सेप्ट कर ले और अपने पार्टनर के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रिजनर वन को पुलिस फ्री छोड़ देगी और उसके पार्टनर को, दैट मीन्स प्रिजनर टू को 10 साल की सज़ा होगी। तो अगर प्रिजनर टू, सेकेंड प्रिजनर, चुपचाप रहने का डिसीजन लेता है, कन्फेस नहीं करने का डिसीजन लेता है, तो इस केस में फर्स्ट प्रिजनर के लिए बेस्ट डिसीजन होगा कन्फेस करना, टू कन्फेस, ओके। लेकिन ये एक सिचुएशन है, प्रिजनर वन को पता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। प्रिजनर वन फिर सोचता है और सोचता है कि सपोज जो उसका पार्टनर है, दैट मीन्स प्रिजनर टू, वो कन्फेस कर ले, ओके, प्रिजनर टू कन्फेस कर ले और क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, कन्फेस कर ले। इस सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा? प्रिजनर वन यहाँ पर, अगर प्रिजनर टू कन्फेस कर ले रहा है, क्राइम को एक्सेप्ट कर ले रहा है, इस सिचुएशन में अगर प्रिजनर वन चुप रह जाए, वो कन्फेस ना करे, तो इस केस में प्रिजनर वन को 10 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा काटनी होगी, क्योंकि प्रिजनर वन के पार्टनर ने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया है और वो प्रिजनर वन के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब प्रिजनर वन अगर कन्फेस नहीं करता है, चुप रहता है, तो इस सिचुएशन में उसे 10 साल की सज़ा काटनी होगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन क्या है? कन्फेस करना। अगर प्रिजनर टू कन्फेस कर लेता है, तो इस सिचुएशन में भी प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन है कन्फेस करना और अपने पार्टनर के अगेंस्ट फिटनेस बनने के लिए तैयार हो जाना। अगर ऐसा वो करता है, तो उसे 10 साल तो नहीं, 5 साल की सज़ा तो काटनी होगी, 10 साल नहीं, 5 साल की सज़ा तो काटनी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए बेस्ट डिसीजन है कन्फेस करना, ओके। सब कुछ सोचने के बाद प्रिजनर वन, जो फर्स्ट प्रिजनर है, वो इसी लॉजिकल रैशनल डिसीजन पे आता है, इसी लॉजिकल डिसीजन पर आएगा कि उसे कन्फेस कर लेना चाहिए, ओके। क्योंकि दो सिचुएशंस हो सकते हैं, प्रिजनर टू कन्फेस करता है, प्रिजनर टू कन्फेस नहीं करता है, और हमने देखा कि दोनों सिचुएशन में प्रिजनर वन के लिए लॉजिकल होगा, रैशनल होगा कन्फेस करना। इसी तरह की रीजनिंग जो है वो प्रिजनर टू की होगी, प्रिजनर टू भी इसी तरह की रीजनिंग वो करेगा, इसी तरह की थॉट प्रोसेस प्रिजनर टू भी अप्लाई करेगा, और वो भी इसी कंक्लूजन पर आएगा कि उसे भी कन्फेस कर लेना चाहिए, यही उसके लिए बेस्ट डिसीजन है। तो प्रिजनर डिलेमा का सॉल्यूशन क्या है? गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस प्रिजनर्स डिलेमा का सॉल्यूशन है कि दोनों प्रिजनर एट द एंड अल्टीमेटली कन्फेस करेंगे, अपने अपने क्राइम को कन्फेस करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसलिए दोनों प्रिजनर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में रहेंगे, इस पे ऑफ मैट्रिक्स के फर्स्ट क्वार्टर में रहेंगे, और इन्हें 5-5 साल जेल में सज़ा के रूप में काटने होंगे। यहाँ डिलेमा क्या है, यहाँ द्वंद्व क्या है, दुविधा क्या है, कि अगर दोनों प्रिजनर कोऑपरेट करते और चुप रहते, कन्फेस ना करते, तो दोनों को जेल में मात्र एक साल बिताना पड़ता, एक साल की सज़ा होती, ये आउटकम दोनों के लिए बेस्ट होता। देखिए, दोनों कन्फेस करते हैं और दोनों को एक पे ऑफ कॉम्बिनेशन मिलता है 5-5 ईयर्स, लेकिन ये जो पे ऑफ कॉम्बिनेशन है ये उनके लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या था? 1-1 ईयर, जो फोर्थ क्वार्टर है, ये बेस्ट था उनके लिए। अगर दोनों कोऑपरेट करते, ओके, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते, तो उन्हें ये मिल सकता था, एक बेस्ट आउटकम दोनों के लिए हो सकता था, लेकिन ये बेस्ट आउटकम दोनों को नहीं मिला, ओके। दोनों को जो आउटकम मिलता है वो दोनों के लिए बेस्ट नहीं होता है। दोनों अपने लिए बेस्ट चाहते थे, दोनों जेल से बाहर आना चाहते थे, लेकिन ये होता नहीं है। और इस चीज़ को, इस आउटकम को अचीव करने के लिए दोनों रैशनली सोचते भी है, लॉजिकली सोचते भी है, लेकिन ये होता नहीं है। यही डिलेमा है, यही दुविधा है, यही द्वंद्व है यहाँ पर, ओके। जो आउटकम दोनों को मिलता है वो उनके लिए बेस्ट नहीं होता। बेस्ट आउटकम उन्हें मिल सकता था, 1-1 ईयर, 1-1 साल की सज़ा दोनों को हो सकती थी, अगर दोनों ट्रस्ट करते एक दूसरे के ऊपर, कोऑपरेट करते, लेकिन ये नहीं होता है। दोनों जो डिसीजन लेते हैं, रैशनल डिसीजन लेते हैं, उसके वजह से दोनों को जो आउटकम मिलता है वो उनके लिए बेस्ट नहीं होता है। दोनों को अब 5-5 साल जेल में बिताना पड़ेगा, ओके। इस आउटकम को अवॉइड किया जा सकता था अगर दोनों प्रिजनर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते, कोऑपरेट करते। तो प्रिजनर्स डिलेमा का सिंपल सा लेसन है, प्रिजनर्स डिलेमा, ये जो पूरी स्टोरी थी, इसका सिंपल सा लेसन है, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दो ओपोनेंट
कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वे दोनों अपने लिए एक बेस्ट आउटकम को अचीव कर सकते हैं। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, दीज आर द बेस्ट पॉलिसी ओवरऑल। ये हमेशा एक बेस्ट पॉलिसी रही है। अगर दो लोग कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं और दोनों के बीच कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होता है, तो वो अपने लिए, दोनों के लिए कलेक्टिवली एक बेस्ट आउटकम अचीव कर सकते हैं। और अगर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन और ट्रस्ट नहीं होगा तो दोनों के लिए बेस्ट नहीं होगा। दोनों को जो आउटकम अचीव होगा वो उनके लिए बेस्ट नहीं होगा और बेस्ट से कहीं दूर होगा। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा का लेसन है। ओके अब क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर प्रिजनर्स डिलेमा जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है? आंसर है हाँ। कंट्रीज के बीच होने वाला जो आर्म्स रेस है, ये प्रिजनर्स डिलेमा का एक एग्जांपल है। कंट्रीज के बीच होने वाला आर्म्स रेस प्रिजनर्स डिलेमा का एक एग्जांपल है। देखिए, दो कंट्रीज जो एक दूसरे के एनिमी हैं, ओपोनेंट हैं, दोनों अपने अपने वेपन की संख्या बढ़ाए चले जाते हैं, बस इस डर में कि उनका ओपोनेंट कहीं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। इसे ही हम आर्म्स रेस कहते हैं। अपने वेपन्स की संख्या को बढ़ाए जाना बस इस डर में कि मेरा जो ओपोनेंट है, जो एनिमी है, वो मेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। एक कंट्री को पता नहीं है कि उसका एनिमी क्या कर रहा है, लेकिन वो इस डर में अपने वेपन की संख्या को बढ़ाए जा रहा है बस इस डर में कि कहीं उसका एनिमी उससे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसे ही हम आर्म्स रेस कहते हैं। और जब दो कंट्रीज़ के बीच एक आर्म्स रेस चल रहा होता है, तब कंट्रीज़ अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, दैट मीन्स मनी को, वेपन्स खरीदने में खर्च करती हैं, वेपन्स की संख्या बढ़ाने में खर्च करती हैं। कंट्रीज़ अगर चाहे तो वे अपने इन रिसोर्सेज को अपने लोगों के डेवलपमेंट में खर्च कर सकती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में खर्च कर सकती है, उन्हें एक बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में इन पैसों को खर्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो ये आउटकम दोनों कंट्री के लिए बेस्ट होता, दोनों को यहाँ पर गेन होता, दोनों का डेवलपमेंट होता, दोनों के लोग खुशहाल ज़िंदगी जी पाते। अगर कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करने का डिसीजन ले, कंट्रीज़ साथ आएं और मिलकर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट करें, यहाँ पर कोऑपरेट करने का मतलब क्या है, कंट्रीज़ साथ आएं और मिलकर एक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट करें, एक दूसरे को प्रॉमिस करें कि वे अपने वेपन्स की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, लिमिट करके रखेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस एक दूसरे को करें और दोनों को कहें कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने वेपन्स की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट अगर कंट्रीज़ के बीच हो तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा, ये सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा। दोनों कंट्रीज़ अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अपने अपने डेवलपमेंट में खर्च कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कंट्रीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं। और ठीक उन प्रिजनर्स की तरह ये सिचुएशंस हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अगर वे प्रिजनर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते तो उन्हें सिर्फ एक एक साल जेल में बिताना पड़ता, जो आउटकम उन्हें मिलता वो दोनों प्रिजनर्स के लिए बेस्ट होता। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रीज़ भी उन प्रिजनर्स की तरह एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती, और इसलिए जो आउटकम कंट्रीज़ को मिलता है वो उनके लिए बेस्ट नहीं होता। वो उनके लिए बेस्ट नहीं होता। आर्म्स रेस किसी भी कंट्री के लिए बेस्ट नहीं है। अगर कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते, कोऑपरेट करते, तो उन्हें बेस्ट आउटकम मिल सकता था, लेकिन कोऑपरेशन और ट्रस्ट नहीं होने की वजह से कंट्रीज़ बेस्ट आउटकम को खो देती हैं। गेम थ्योरी के ये प्रिजनर्स डिलेमा का सिचुएशन है। आर्म्स रेस क्लियर। गेम थ्योरी के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट गेम है जिसे हमें समझना है, वो है गेम ऑफ चिकन। प्रिजनर्स डिलेमा की तुलना गेम ऑफ चिकन को समझना ज़्यादा आसान है। ये ईजी है इसे समझना, गेम ऑफ चिकन। देखिए, गेम ऑफ चिकन, इस गेम में दो ओपोनेंट्स होंगे, दो एनिमी या दो राइवल्स होंगे जो एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दो ओपोनेंट्स हैं, दो एनिमीज़ हैं जो एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इमेजिन करें कि ये जो दो ओपोनेंट्स हैं ये अपनी अपनी गाड़ियों में हैं, अपनी अपनी व्हीकल्स में हैं, और अपनी अपनी गाड़ियों को ये एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, अगर ये रुके नहीं, ये दोनों ओपोनेंट्स अगर रुके नहीं, तो दोनों के गाड़ियों के बीच क्रैश होगा,
एक कोलिशन होगा और दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और इसमें दोनों का नुकसान होगा। हो सकता है दोनों की दोनों इस कोलिशन में अपनी अपनी जान खो दे, दोनों की मृत्यु हो जाए। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर, ये दो ओपोनेंट्स दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट बढ़ रहे हैं। अगर ये रुके नहीं तो दोनों के बीच कोलिशन होना तय है, क्रैश होना तय है और इसमें दोनों की जान जा सकती है, दोनों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन इस कोलिशन को, इस क्रैश को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? अगर दोनों में से कोई एक अपना रास्ता बदल ले, अगर दोनों में से कोई एक अपना रास्ता बदल लेता है तो इस कोलिशन, इस क्रैश को हम रोक सकते हैं। लेकिन दोनों में से पहले जो अपना रास्ता बदलेगा और दोनों में से पहले जो अपना रास्ता बदलेगा उसे हम लूज़र कहेंगे। क्लियर? ये जो दो ओपोनेंट्स हैं एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इनमें कोलिशन होना तय है, लेकिन दोनों में से जो पहले अपना रास्ता बदल ले, जो अपना रास्ता बदल ले और इस कोलिशन को रोक दे, उसे हम क्या कहेंगे? लूज़र कहेंगे। वो लूज़र कहलाएगा और जो लूज़र है उसे चिकन का टैग दिया जाएगा। इसलिए इस गेम का नाम गेम ऑफ चिकन हुआ। जो लूज़र है उसे चिकन का टैग दिया जाएगा, चिकन का टैग दिया जाएगा और उसे चिकन कहा जाएगा। चिकन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो अपना रास्ता बदल ले रहा है उसके लिए सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उतना साहसी नहीं है, उतना ब्रेव नहीं है, उसके लिए सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको पता है कि अगर वो रास्ता नहीं बदले तो उसकी मृत्यु हो सकती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो सकता है, तो उसके लिए सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो अपना रास्ता पहले बदल ले रहा है उसे चिकन का टैग दिया जाएगा, उसे चिकन कहा जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों वेट करते रहे, जो दो ओपोनेंट से एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों वेट करते रहे कि सामने वाला पहले रास्ता बदलेगा और दोनों अपना रास्ता नहीं बदले। इस सिचुएशन में क्रैश तो होगा और दोनों का डिस्ट्रक्शन होगा। दोनों वेट करते रह जाएंगे कि नहीं, सामने वाला अपना रास्ता पहले बदलेगा और इस तरह दोनों ही अपना रास्ता ना बदले और क्रैश हो जाए दोनों के बीच। ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ अपना अपना रास्ता बदल ले, दोनों एक साथ अपना रास्ता मोड़ ले। इस सिचुएशन में दोनों सर्वाइव करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई विनर भी नहीं होगा और कोई लूज़र भी नहीं होगा। इसे ही गेम ऑफ चिकन कहते हैं। यहाँ पर सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो लोग एक ऐसे सिचुएशन में मौजूद है जहाँ पर दोनों का डिस्ट्रक्शन तय है। अगर दोनों में से कोई एक अपने इस सिचुएशन से हटा नहीं तो दोनों का डिस्ट्रक्शन तय है। दोनों में से एक इस सिचुएशन से हटेगा, उसे सर्वाइवल उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे हम गेम ऑफ चिकन कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम ऑफ चिकन के सिचुएशन का एग्जाम्पल है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का मतलब है दो कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर से जस्ट एक स्टेप दूर हैं। अगर दो कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर की जस्ट आमने सामने खड़े हैं, दोनों ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं कि दोनों न्यूक्लियर वॉर के जस्ट आमने सामने खड़े हो जाए, बस एक स्टेप दूर है न्यूक्लियर वॉर से, तो इसे न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। ब्रिंक मतलब एकदम एज में आके खड़े हो जाना, न्यूक्लियर वॉर के बस एक एज में आके खड़े हो जाना, एक और स्टेप लिया गया और न्यूक्लियर वॉर शुरू, इसे न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। ओके, और इस सिचुएशन में अगर दो कंट्रीज़ अपने अपने पोजीशन में डटे रहे, दोनों में से कोई अपने पोजीशन से ना हटा, तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का होना तय होगा। इस तरह के सिचुएशन कोल्ड वॉर, इस तरह का सिचुएशन कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्रिएट हो चुका है। ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। यूएसए और यूएसएसआर के बीच ये सिचुएशन 1962 में क्रिएट हुआ था, कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये गेम ऑफ चिकन का एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये सिनेरियो एकदम बिल्कुल गेम ऑफ चिकन जैसा था। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें एक दूसरे की तरफ खड़ी कर दी थी, इनके बीच न्यूक्लियर वॉर जस्ट होने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, दोनों ने अपनी अपनी मिसाइलें हटाई और दोनों के बीच होने वाला जो न्यूक्लियर वॉर था वो टल गया। ओके, तो यह है गेम ऑफ चिकन। गेम ऑफ चिकन का जो सिचुएशन है ये प्रिजनर्स डिलेमा से काफ़ी अलग है। दोनों के बीच डिफरेंस है और डिफरेंस को भी आपको समझना है। प्रिजनर्स डिलेमा के केस में जो ओपोनेंट्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन का होना, कोऑपरेशन को अचीव कर पाना, सहयोग को अचीव कर पाना, ये लगभग इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। प्रिजनर्स डिलेमा में आप कोऑपरेशन नहीं देखेंगे,
वहाँ पे कॉपरेशन नहीं होगा, कॉपरेशन के जस्ट अपोजिट होगा, वहाँ पे कॉपरेशन नहीं होगा प्रिजनर्स डिलेमा के केस में। लेकिन जो गेम ऑफ चिकन है इस केस में, कॉपरेशन की संभावना, कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। यहाँ पर कॉपरेशन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपरेट नहीं करने का जो कॉस्ट है वो बहुत बहुत अधिक होता है। कॉपरेट नहीं करने का कॉस्ट क्या है? टोटल डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, नो सर्वाइवल। तो यहाँ पर कॉपरेशन होगा, और यही डिफरेंस है कि गेम ऑफ चिकन में कॉपरेशन होगा, यहाँ अल्टीमेटली कॉपरेशन होगा। क्योंकि अगर यहाँ कॉपरेशन नहीं होता है, कॉपरेशन नहीं होने से जो नुकसान होगा, जो कॉस्ट कंट्रीज़ को चुकाना पड़ेगा, वो बहुत अधिक होगा। और इस बड़े नुकसान को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ अगर गेम ऑफ चिकन की सिचुएशन में आ जाए, इनका कॉन्फ्लिक्ट अगर गेम ऑफ चिकन की सिचुएशन को रिसेंबल करें, तो यहाँ पर कॉपरेशन कंट्रीज़ को करना होगा। ओके, यहाँ पे जो ओपोनेंट्स हैं उन्हें कॉपरेट करना होगा। तो ये है गेम ऑफ चिकन। उम्मीद है कि आपको प्रिजनर्स डिलेमा, गेम ऑफ चिकन और गेम थ्योरी का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।